अभी आप लोग देख रहे हैं सुल्तानगंज का यह गंगा घाट, जो कि आने वाले समय में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज सुल्तानगंज से शुरू होता है और यहीं से कांवड़िया लोग जल भरकर देवघर जाते हैं। और यहाँ पर इस तरह का घाट का अगर काम पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो आने वाले समय में यहाँ पर भव्य आरती के साथ साथ यहाँ से कांवड़िया को जल भरने में सुविधा होगी। नए साल में श्रद्धालुओं के लिए यह एक सुल्तानगंज वासियों को ही नहीं बल्कि बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिल जाएगा। हालांकि इसका काम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और यह लाइव रिपोर्टिंग के साथ आप यह वीडियो हमारे चैनल पर देख पा रहे हैं। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब अभी, क्योंकि इस अपडेट के बाद सुल्तानगंज में जो मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है ठीक इसके बगल में, उसका भी अपडेट हम देने वाले हैं। सुल्तानगंज अगवानी घाट गंगा पुल का अपडेट हमारे इसी वीडियो के नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है। कोशिश करेंगे उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में और इन स्क्रीन में दे दिए चले। फिलहाल के लिए यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताएं। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन यहां पर हर वर्ष होता है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखी जा सकती है। यहां पर कई लोग दूसरे जिला और दूसरे राज्य से भी आते हैं और यहाँ से जल को भरकर झारखंड के देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। और ऐसे में यहाँ पर इस तरह का सुविधा मिलने से यहाँ के लोगों को, यहाँ के श्रद्धालुओं को और कांवड़िया को खासकर जल भरने में सुविधा होगी। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यह सुल्तानगंज अगवानी घाट का पुल का कार्य, हालांकि इस पर हम नेक्स्ट अपडेट में आएंगे। फिलहाल के लिए आप पुल का यह नज़ारा देख सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं और यहाँ पर कितना काम शेष है यह भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इस पार की बात करें तो इस पार से ज़्यादा काम उस पार में हुआ है और उम्मीद है कि नए साल में यानी कि 2022 में यह प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। सुल्तानगंज में दो दो प्रोजेक्ट बनकर तैयार होने ही वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट अभी फिलहाल इस वीडियो में अभी आपके स्क्रीन पर है। हर साल हर वर्ष भागलपुर जिला के सुल्तानगंज क्षेत्र में कई लोग, कई कांवड़ियाँ और श्रद्धालु का आवागमन होता है। ऐसे में इस गंगा घाट का जो नजारा आने वाले समय में देखने को मिलेगा वह बिल्कुल भव्य होगा। इस अपडेट के अलावे हम कुछ और भी नए अपडेट लाने वाले यहीं से, जहां पर कि इसकी शुरुआत होगी और यहां से भव्य आरती भी होगा। खबरों की माने तो आरती का लेटेस्ट अपडेट हम कोशिश करेंगे जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। इसके अलावे यह अपडेट अब तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस भव्य गंगा घाट को देखने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। इसके साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब आने वाली नए प्रोजेक्ट और नई ट्रेनों का अपडेट के लिए।